क्या आपने कभी कुबेर का खजाना देखा है? रतलाम के प्रसिद्ध मां महालक्ष्मी मंदिर में दिवाली पर सजता है कुबेर का खजाना। सोने चांदी नोटों की गड्डियां आपको दिखाई देंगी, यहां पर ढेर लगते हैं। क्या है मान्यता, आइए जानते हैं। मेरे पीछे और ये जो पूरी छत है वो नोटों के बंधन मार से सजाई गई है। 10, 20, 50, 200 रुपए से लेके 500 रुपए के नोट इन बंधन मारों में लगाए जाते हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। वाकई में बेहद खूबसूरत और बेहद आकर्षक लगते हैं ये बंधन मार। ये नजारा है रतलाम के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर का, जो प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कुबेर के खजाने के नाम से जाना जाता है। इस सरकारी मंदिर में दीपावली के मौके पर सजता है कुबेर का खजाना, जिसमें रुपए के साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर रखे जाते हैं। ऐसा खजाना जिसे देखने के लिए लोगों की लग जाती है लंबी लंबी कतार। इस खजाने को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। महालक्ष्मी माता की जय। यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर है रतलाम का। रियासत काल के समय से ही इस मंदिर की ख्याति है पूरे प्रदेश के अंदर। इस मंदिर के अंदर महालक्ष्मी जी के साथ गर्भगृह के अंदर सरस्वती जी, गणेश जी विराजे हैं और सती माता की स्थापना है वोरा परिवार के। साथ ही यहाँ पे अभी पिछले 15 साल पहले अष्टलक्ष्मी की भी स्थापना की गई है। इस मंदिर की ख्याति इतनी है कि जो ये 5 दिवसीय दीपोत्सव होता है, इस पर देश विदेश से भक्तगण यहाँ पर अपनी राशि जमा कराते हैं बरकत के लिए। माणक चौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालु दिवाली से पहले जेवर और नकदी भेंट करते हैं। इन जमा हुए आभूषणों से दिवाली के 5 दिन तक महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। दिवाली के पहले दिन यानी धनतेरस को मंदिर में शुभ लाभ की चौघड़ियों में कुबेर की पोटलियां भी बांटी जाती हैं। ये उन लोगों के लिए होती हैं जो अपना धन दौलत मंदिर में नहीं रख पाते, उन्हें ये कुबेर की पोटलियां प्रसादी के रूप में दी जाती हैं, जिसे लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगती हैं। लोग इसे सहेज कर अपनी तिजोरियों में रखते हैं। ये रात को दिन भर तो हमारा ये रहता है कि जो आस्था का केंद्र बना हुआ महालक्ष्मीनाथ का मंदिर, तो दिन भर जो है फ्रेश नोट गड्डी जो है सब आकर जमा करते हैं। उसी गड्डी को रात को 11 बजे बाद हम जो है हमारे कुछ यहाँ पे सेवादार हैं, यहाँ पूरा व्यापारी संघ है, कुछ समाज जन है हमारे, जो सभी मिलके इस तरह से जिस तरह से फूल को पिरोया जाता है इस तरह से उसका डेकोरेशन करके और इस तरह से सजाया जाता है। प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर बेशकीमती जेवरों और लाखों के नोटों से सजता है। 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों से खास वंदन वार बनाए जाते हैं। इस बार माँ के दरबार से सजाए गए चांदी के हाथी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। महालक्ष्मी मंदिर में सालों से गहने और राशि चढ़ाने की परंपरा रही है। इस भेंट को रजिस्टर में नाम के साथ नोट भी किया जाता है, जिसके बाद दिवाली के 5वें दिन रिकॉर्ड के ही आधार पर भक्तों को गहने और राशि प्रसादी के रूप में लौटा दिया जाता है। मंदिर में रोज आती हूँ, वैसे तो मैं रतलाम की रहने वाली हूँ, मेरा रोज नियम है माता जी के मंदिर में आना, और यहाँ हर साल इसी तरह से सजावट होती है और बाहर के भी बहुत लोग आते हैं। माता लक्ष्मी का मंदिर रतलाम में सबसे प्रसिद्ध है। हम यहाँ से बाहर रहते हैं लेकिन हर वर्ष दिवाली के दिन हम यहाँ स्पेशल दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ लक्ष्मी के मंदिर में स्वर्ण से और पैसों से और पूरा श्रृंगार होता है, और ये बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, और ये मंदिर में दर्शन करने मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। मंदिर में करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है तो सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए जाते हैं। सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी रखी जाती है, पुलिस मंदिर की सुरक्षा में तैनात रहती है। इस मंदिर की एक और विशेषता है कि यहाँ माँ महालक्ष्मी के 9 रूप विद्यमान हैं, जिनके दर्शन और आराधना करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। सुधीर जैन, न्यूज 18 रतलाम।